तमिलनाडु में धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में एक नम्मा यश का एक ऐसा बड़ा फैन है जिसने कुछ कमाल का काम किया है। और वो काम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश का ये जो फैन है, हर महीने की 8 तारीख को यश का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और वो सेलिब्रेट करने का उसका अंदाज बहुत अलग है। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा या इसकी जो टीम है, ये जो गरीब लोग हैं उन्हें फूड देती, यानी कि अनाज सप्लाई करती है या फिर उन्हें खाना खिलाती है। और ये कुछ स्नैप्स अपलोड हुए हैं सोशल मीडिया पर, 4 अलग अलग, और मुझे मेरा मानना है कि इसी बंदे का ये ट्विटर हैंडल है और इसने ही ये सब काम किया है। एक अच्छा, एक बोलते ना, नीयत अच्छी हो तो काम अच्छा होता, तो ये वैसा काम है। जरूर ये रॉकिंग स्टार यश का बर्थडे हर दिन मनाता, हर महीने में एक बार मनाता है, जैसे जनवरी 8 को रॉकिंग स्टार यश का बर्थडे, सभी को पता है अब तो हर महीने जब 8 तारीख आती है तो इस तरह का ये फूड डोनेशन करता है या गरीबों को खाना खिलाता है। और मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी किसी के एक्टर के आप अगर बहुत बड़े फैन है या किसी सुपरस्टार के बड़े फैन है या मेगा स्टार के, तो सबसे अच्छी चीज आप वही कर सकते हो कि उस एक्टर के नाम पर आप कुछ सोशल काम करिए या गरीबों को कुछ पैसा दीजिए या बहुत कुछ ऐसा करिए जिससे प्राउड हो। ये नहीं हो कि सिर्फ पागलों जैसे बड़े बड़े केक काट के सेलिब्रेट करिए या बहुत बड़े बड़े बैनर पे पोस्टर पे वो चिपकाए, उस पर पैसे अगर स्पेंड करें ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप जब पैसे गरीबों में दान देंगे या इस तरह से फूड सप्लाई करके दान देंगे। तो कुल मिला के मुझे खुशी है इस खबर को बताते हुए कि तमिलनाडु में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक बंदा हर महीने यश का बर्थडे मनाता है, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज लगी मुझे बताने के लिए, इसलिए मुझे लगा मैं आपको इससे आगाह करा दूं। और आप भी अगर इसे फॉलो करना चाहते हैं तो इस है ना ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, और मुझे खुशी होगी इस तरह ये जो बंदा है इससे अगर मेरी बात हो तो मुझे भी समझे कि वो एक्चुअली करता क्या है, बिकॉज दिस इज सच ए नोबल थिंग टू डू एक्चुअली, वो भी इस कोरोना वायरस के माहौल में। इट्स सच ए थम्स अप फ्रॉम माय साइड, लव यू ब्रो, बाय।